2022 में होने वाले विधानसभा चुनाव से उत्तर प्रदेश में राजनीतिक सरगर्मियां तेज हैं। चुनावों को लेकर बड़े बड़े राजनीतिक दल अपनी बिसात बिछानी शुरू कर चुके हैं। हालांकि कुछ ऐसे दल भी हैं जिनकी नज़र उन बाहुबली नेताओं पर है जिनकी कभी उत्तर प्रदेश की सियासत में तूती बोलती थी। इन्हीं नेताओं में से एक है मुख्तार अंसारी। उत्तर प्रदेश की सियासत का वह नाम जिसको लेकर पिछले काफी दिनों से सियासत चल रही है। कहीं सियासत बुलडोजर के नाम पर चल रही है तो कहीं कुर्की के नाम पर। उसी मुख्तार अंसारी को गाजीपुर के अपर सत्र न्यायाधीश प्रथम एमपी एमएलए कोर्ट ने 2009 के गैंगस्टर एक्ट के मामले में जमानत दे दी है। जमानत के बाद मुख्तार के समर्थकों में काफी खुशी देखने को मिली। हालांकि जमानत मिलने के बाद भी मुख्तार अंसारी को सलाखों के पीछे ही रहना पड़ेगा। वहीं भारतीय जनता पार्टी छोड़कर समाजवादी पार्टी में आए ओम प्रकाश राजभर ने ऐसा बयान दिया है जिससे अखिलेश यादव की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। ओम प्रकाश राजभर ने खुल्लम खुल्ला कहना शुरू कर दिया है कि वह गैंगस्टर गुंडे और माफियाओं का साथ देंगे। ओम प्रकाश राजभर ने कहा कि ऊपर वाले के घर में देर है अंधेर नहीं। मुख्तार अंसारी को सरकार जबरन 12 साल से जेल में रखे हुए है। राजभर ने कहा कि वह हमेशा मुख्तार अंसारी की मदद करते रहेंगे। राजभर ने कहा कि जो मुख्तार के ऊपर आपराधिक मुकदमे दागे गए हैं उनकी पूरी सजा 10 साल की है और सरकार जबरदस्ती उनको जेल में 12 साल से रखे हुए है। कानूनन मुख्तार को सजा हो चुकी है। ऊपर वाले के घर में देर है अंधेर नहीं। राजभर ने कहा कि मुख्तार अंसारी जहां से भी चुनाव लड़ेंगे मैं उनकी मदद करूंगा। मैं मुख्तार के साथ हमेशा मदद करता रहा हूं। राजभर के बयान के बाद समाजवादी पार्टी की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। भारतीय जनता पार्टी लगातार अपने बयानों से कहती आ रही है कि समाजवादी पार्टी गुंडों के साथ है। भारतीय जनता पार्टी पश्चिम उत्तर प्रदेश में टिकट वितरण को लेकर समाजवादी पार्टी को लगातार घेरती आ रही है। पश्चिम उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी में कई ऐसे विवादित चेहरों को उम्मीदवार बनाया है जिनके ऊपर बहुत से मुकदमे चल रहे हैं और कई तो जेल भी जा चुके हैं। ओम प्रकाश राजभर ने कहा कि मैं मुख्तार अंसारी के संपर्क में ही नहीं हूं, बल्कि मंत्री रहते हुए कई बार उनसे मिलने जेल जाता था। राजभर ने कहा कि जब मैं मिनिस्टर था तो 6 बार बांदा जेल और 9 बार रोपण में मुख्तार अंसारी से मिलने गया था। ओम प्रकाश राजभर ने कहा कि यदि मुख्तार अंसारी का बेटा टिकट मांगता है तो हम विचार करेंगे। उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी को सिर्फ अखिलेश यादव और ओम प्रकाश राजभर ही दिखाई दे रहे हैं, खुद के नेताओं पर लगे आरोप नहीं दिखते। ओम प्रकाश राजभर के इस तरह के बयानों से समाजवादी पार्टी की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, पब्लिक न्यूज़।